तो दोस्तों हो गया पल्सर 180 का 100 कार। तो हम लोग दिखाते हैं ये गाड़ी हम लोग का खुला है, अभी सर्विस में दिया, पीछे वाला ब्रेक्स को चेंज कर दे। इधर हो गया, ये रहा आपका ब्रेक्स, ठीक है ना। और कंपनी लगाए हम लोग, मैकेनिक का देखिए बिल्कुल बिल्कुल ही है इसका 225 या 37 का MRP होगा शायद। अरे वाला डायना वाला सोकर खुल दे, राइट हैंड ठीक है ना, राइट। वो डिस जिस तरफ डिस रहता है देखिए खुल दे। गाड़ी हो रहा है सर्विस, एयर फिल्टर हो गया, अभी पीछे वाला ब्रेक्स भी हो गया, ग्रिल्स भी हो गया। तो अभी हम लोग का एरिया में काम बहुत कम हो रहा है, अभी गाड़ी भी उतना नहीं चल रहा है दोस्त। आ जाओ एक आदमी इधर आ जाओ। तो दोस्त फटाक से हम लोग होलसेल को फिट कर लेते, ठीक है ना। बजाज कंपनी का होलसेल है, जिनोइन होलसेल। चलो इसको हम लॉक भी निकाल लें, यहाँ पे पकड़ो, यहाँ पे कैमरा पकड़ो, थोड़ा कुछ नहीं होगा, अच्छे से पकड़ो। तो दोस्तों ये रहा लॉक, लॉक खुल दे, इले की खुल दे, इसी से काम हो गया, इसी से ही नाट खुल दे, ठीक है ना। थोड़ा हाथुरा मारना पड़ा, खुल गया, कोई दिक्कत नहीं। तो अब इसको स्प्रिंग निकाल गया, इसको निकाल देंगे सर, भाई निकाल गया, ओ भागो मत। तो दोस्तों पल्सर 150 एक 150 किसको रखा था पहले, दिया साइड का 135 का, 135 सोकर पल्सर 150 180 250 और सेम ही होता है दोस्त, ठीक है ना। है निकल गया, आप क्या करेंगे, ये देखिए एक बूस उधर हो गया, निकल लेते इसको, हाँ ये हो गया कॉल से ले, प्रॉब्लम हो गया दोस्त, ठीक। ये निकालने का जरूरत नहीं, अगर निकाल लेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, फटाक से पेट्रोल से वॉश कर लेते, ठीक है ना। फटाक से हिसाब वॉश करके फटाक से हम लोग कॉल से पता करते। तो दोस्त ये हो गया जिन्हें नुआ से ले, ये हो गया पुराना वाला, ये लीकेज हो गया। तो हाथ मेरा थोड़ा गंदा है, तो फिर भी अभी निकाल लेते हैं, थोड़ा साफ सुथरा करना पड़ेगा, बाद में हम देखा नहीं पाएंगे, तो वीडियो बड़ा हो जाएगा दोस्त। ये हो गया पुराना, ये हो गया नया, बजाज कंपनी का जेन्युइन हो गया दोस्त। ये पुराना वाला बाहर रख दे, नया वाला यहाँ पे रख दे, है ना दोस्त। अब पुराना से सब वॉश करते, वॉश करने के बाद ये सब फंसाते बुस, बाद में सकाल से फंसा देंगे, ठीक है ना, आराम से फंसेगा। तो फटाफट से हम लोग वॉश कर लेते हैं दोस्त। अगर चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस चैनल में हर एक वीडियो मिल जाएगा दोस्त। तो फटाफट से हम लोग वॉश कर लेते हैं। तो दोस्त ऐसे हम लोग फंसा लेते हैं, वॉशर डाल के ऊपर वॉशर, ठीक है ना, देखा थोड़ा नजदीक आओ। तो दोस्त ऐसे वॉशर में थोड़ा थोड़ा ढूंके बैठ गया, ठीक है ना, आराम से। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसमें वॉशर फंसा देंगे। तो दोस्त इधर का काम कम्प्लीट, ये हो गया वॉल सेल, ये पुराना है नया, पुराना वाला फेंक दिया, अभी नया वाला, ठीक है ना, यहाँ पे बैठा दिया। आराम से फंस जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, अरे चलाओ चलो बैठ जाओ। तो दोस्तों पुराना वाला थोड़ा खतरा मारे, पुराना वाला को भी फंसवा दिए, ठीक है ना। अब हम मारेंगे इसमें हाथूरा, जैसे हम ऐसे उठाए तो पुराना वाला ऊपर आ गया, ठीक है ना, और नीचे वाला दोस्त बैठ गया सही तरीका से, नीचे वाला बैठ गया, देखा दिखाई देता ना। तो दोस्त बैठ गया, अब इस लॉक को हम फंसाते, थोड़ा कपड़ा मार लेते हैं लॉक को, और इसको ऐसे फंसता तो फंसेगा, देखिए ऐसे फंस गया, नहीं फंसेगा तो ऊपर से, ठीक, ऐसे भी फंस जाता कोई दिक्कत नहीं, बाई दुबाई अगर नहीं फंसा तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। मतलब 10 मैकेनिक का काम 10 तरह का होता है, ये मेरा गारंटी है दोस्त। ये जो वॉल सेल लगा दिया दोस्त, 2 साल 3 साल कोई बात आई है नहीं, चलना ही है, ओरिजिनल है और काम भी ओरिजिनल हो गया, एक बार कर दिया 2-3 साल चलेगा। अगर वॉल सेल नहीं का नहीं टिकता दोस्त, इसका मतलब पाइप में दाग आ गया, इसलिए हो सकता है, हो सकता है वॉल सेल डुप्लीकेट, इसलिए हो सकता है। अगर जिन्होंने पड़ गया वॉल सेल तो 2 से 3 साल कोई बात आई है नहीं दोस्त।
धक्का मिलाते है, क्या काम करता है? गंदा मिट्टी सब जाने नहीं देगा, बाकी पाइप में दाग भी नहीं आएगा। ये बहुत सेफ्टी काम करता है। तो दोस्त काम जैसा करते हैं ऐसा मत कीजिएगा। अगर आपका टूल से है तो टूल से करिए, अगर नहीं है तो थोड़ा ध्यान से काम करना, ठीक है ना। ये हाथुरा जो है ना दोस्त, बहुत काम आता है मैकेनिक के लिए, 100 में से 101% नहीं काम होता है। तो फूकने का भी तरीका होता है दोस्त, डाल दीजिए इसका स्प्रिंग। अच्छा फोटो अब इसको डाल दीजिए, आप डाल दीजिए इसमें ऑयल। तो दोस्तों उल्टा दे, आवाज नहीं आता है, बिल्कुल सक्सेस है। इतना खिलता है मतलब 3 इंच से खिलता है। और जो पतला होता है ना ये पाइप तो मोटा है कि आवाज नहीं करेगा जल्दी, बिल्कुल सही है। तो खराब कर लो चैनल का अगर नया है तो चैनल में सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम लोग गाड़ी में अभी फिट करेंगे, अभी फटाफट से हम लोग फिट कर लेते हैं। और इसका इंजन ऑयल भी डालना है, इंजन ऑयल डाल देते हैं, ठीक है ना। ब्रेक सो लग गया, फिर इसका फिटिंग करके हम लोग टेस्ट ड्राइव करते हैं। तो दोस्तों अभी बहुत रहे इसका सर्विस चार्ज कितना है, तो दोस्तों इसका सर्विस चार्ज हम लेंगे 250 रुपया, 250 रुपया लेंगे। और इसका तो तेल का फिर होलसेल का उसका तो अलग से लेंगे, फिर अलग से 50 रुपया इसका, अलग से 50 रुपया फिटिंग चार्ज लेंगे शोकर का। तो दोस्तों फटाफट से हम लोग फिट कर लेते हैं। तो दोस्तों अभी बहुत आदमी सवाल पूछे इसमें ऑयल कितना डाले भाई, पतला में तो 175 हमें लगता है दोस्तों, 150 डालने से चल जाता है। इसमें हम लोग डाले 250 ग्राम ऑयल, 250 ऑयल डाले, ठीक है ना। 250 ऑयल डालते हैं और बिल्कुल सही मोटा पाइप है, और बिल्कुल सही कोई भी गाड़ी का जब हम तेल डालते हैं सोकर का काम होता है, अपना हाथ से पहले चेक कर लेते हैं, आवाज़ तो नहीं करता है। अगर ऐसा नहीं होता तो उल्टा के चेक करते हैं। अगर दोस्तों ऐसे चापने के बाद ताकत लगेगा चापना पड़ेगा, अगर खट से आवाज हो गया तो तेल थोड़ा देना होगा, अगर कम खिलता है तो तेल घटाना पड़ेगा। जब खिलेगा भी ज़्यादा आवाज़ भी निकलेगा, आपका सोकर सक्सेस, यही तरीका। तो दोस्तों चैनल पर अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फटाफट से हम लोग फिट कर लेते हैं।